सोनीपत में केएमपी पर पीपली टोल पर मांगों को लेकर टोल फ्री कराने पहुंचे किसानों ने गिरफ्तारी दी है। किसान पिछले 11 दिनों से पीपली टोल पर बैठकर धरना दे रहे थे। किसानों की मांग है कि नेशनल हाईवे का दर्जा देते हुए उन्हें मुआवजे राशि एक समान दी जाए। किसानों का आरोप है कि सरकार उन्हें कम मुआवजा दे रही है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बलों की भी तैनाती रही। मौके पर किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने गिरफ्तारी देने के दौरान कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले किसानों को गिरफ्तार किया गया है। देखो, बड़े दुख की बात है कि आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस देश का पर्व होता है, लेकिन 26 जनवरी के दिन ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सरासर खट्टर सरकार, मोदी सरकार की तानाशाही है और ये देश के संविधान का, देश के कानून का ये अपमान कर रहे हैं। हम तो एक मांग कह रहे हैं कि भाई जो केंद्र सरकार का कानून है उसके अनुसार हमें हमारा कलेक्टरेट दुगुना किया जाए। नेशनल हाईवे के साथ हमारी जमीन एक्वायरमेंट की जा रही है। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार हमें 4 गुना मुआवजा दिया जाए। ये अगर सरकार, ये पुलिस वाले भी हमारे ही भाई हैं, अगर सरकार चाहती है हमें 2 दिन गिरफ्तार करना, 4 दिन करना, कोई दिक्कत नहीं है। जितने दिन गिरफ्तार करना चाहे, 2 महीने के लिए गिरफ्तार करना चाहे, हम गिरफ्तारी देंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि गणतंत्र दिवस में देश का पेट भरने वाले किसानों को इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है। और कल यानी 27 तारीख को हमारी बहुत बड़ी गैदरिंग डीसी ऑफिस सोनीपत के सामने होगी। 29 अगर यदि किसानों का हक नहीं मिला तो 29 तारीख की अमित शाह की गोहाना रैली का जमकर विरोध किया जाएगा, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ विरोध किया जाएगा। क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है आपको? भाई आज हम टोल फ्री कराने आए थे तो प्रशासन ये कह रहा है कि हम टोल फ्री नहीं कराने देंगे, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो हम देश का कानून मानने वाले, देश का संविधान मानने वाले शांतिपूर्वक किसान है, शांतिपूर्वक एक मतदाता है। तो हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप अपनी ड्यूटी निभाइए, आप गिरफ्तार करना चाहते हैं तो आप गिरफ्तार करिए। जितने दिन आपको बता दें कि सोनीपत के केएमपी पीपली टोल पर मुआवजा राशि में बढ़ोतरी करवाने को लेकर किसान पिछले 11 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के तहत आज टोल को फ्री करवाने का ऐलान किया गया था। आज काफी संख्या में किसान टोल पर पहुंचे तो मौके पर उन्हें टोल फ्री कराने से रोक दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम का क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। किसान यही चाहते हैं कि हमारा जो ये हाईवे है उसको किसी हाईवे का दर्जा दिया जाए। किसान मांग कर रहे हैं कि हमारा मुआवजा ज़्यादा दिया जाए। इनकी मांगों को हम अपने मांगों को ध्यान से सुना और इनको सरकार को सोचाएंगे। सर, किसानों का ये भी कहना है कि खुद डीसी साहब ये कहते हैं किसानों की मांग जायज़ है, लेकिन फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है सर? सरकार के विचाराधीन है, सरकार इसको विचार के। सर, कितने किसानों को गिरफ्तार किया है? साथ में है अभी हमने। सर, क्या क्या डिमांड थी इनकी, किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है? गिरफ्तार नहीं किया, हमारे साथ में है, हम उनको शांतिपूर्ण। वजह क्या थी सर, टोल फ्री करने के लिए आए थे? इनका आह्वान था लेकिन हम टोल फ्री नहीं करने। बहरहाल इस दौरान अपनी गिरफ्तारी देते हुए किसानों का कहना है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके बाद भी उन्हें वहां पर रोक दिया गया। जब तक सरकार मुआवजे की मांग पर सहमति नहीं देगी तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कल सोनीपत के मिनी सचिवालय पर भारी संख्या में किसान अपना धरना प्रदर्शन भी शुरू करेंगे। सोनीपत से राम सिंहमर की रिपोर्ट, सत्य खबर। सभी को नमस्कार, मैं एडवोकेट मनोज खुश एएम के एंड एसोसिएट्स की तरफ से 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जा रहा है, उस उपलक्ष में आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि लोकतांत्रिक दृष्टि से हमारा देश इस दिन ही आज़ाद हुआ था और दूसरे देशों की सारी दखलंदाजी इस दिन ख़त्म हो गई थी। इसी उपलक्ष में 26 जनवरी को एक गोल्डन डे माना जाता है। पुणे से मैं आप लोगों को, पूरे देशवासियों को, मेरी तरफ से और मेरे एएम के एसोसिएट्स की तरफ से आप लोगों को पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।